अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट एगलेस कपकेक। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हाफ कप दही और हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब हम एक छन्नी लेंगे और उसमें एक कप मैदा और हाफ कप शक्कर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसे छान लेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, बैटर अभी थोड़ा थिक है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। दूध हमें इकट्ठे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ऐड किया है। तो ये देखिए, बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी लेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम बैटर में टूटी फ्रूटी ट्रांसफ़र करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें इसे मिक्स करना है। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम बेकिंग ट्रे लेंगे और उसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम पेपर मोल्ड लेंगे और इसे ट्रे में ऐड करेंगे। अब एक स्पून की हेल्प से हम बैटर को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे बैटर हमें पूरी तरह से फिल नहीं करना है, इसे हम हाफ ही फिल करेंगे। तो ये देखिए, बैटर को हमने फिल कर दिया है और आप देख रहे हैं जैसा कि इसे हमने हाफ ही रखा है। अब हम इसे थोड़ा गार्निश करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे टूटी फ्रूटी से गार्निश कर रही हूँ। इसे थोड़ा टैप करेंगे। माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसे बेक करेंगे। अगर आप इसे पैन में बनाना चाहते हैं तो आप पैन को 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लें। उसके बाद इसे लो फ्लेम पे 25-30 मिनट्स के लिए बेक करें और बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें ताकि ये नीचे से जले ना। तो चलिए अब इसे बेक करते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने इसे टोटल 20 मिनट्स बेक किया है। आइए अब इसे चेक करते हैं कि अंदर से पूरी तरह से बेक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, ये पूरा क्लीन आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से बेक हो चुका है। तो ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे कट करते हैं। तो ये देखिए, ये अंदर से भी परफेक्ट बेक हुआ है और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।